कौन नंबर क्वेश्चन है आपका? ठीक है, क्या कह रहा है ध्यान से देखो आप सभी लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेट हुआ है, दिया है, कह रहा है इन फिगर, फिगर पहले आप देख लीजिए, जो फिगर दिया है आपका 6.37 फिगर है आपका, ए फिगर बना है। ठीक है, ए फिगर दिया है, डी ई, ठीक, ए बी सी, ए है 6.37 फिगर है बाबू। देखो क्या करा, इफ ट्रायंगल ए बी ई, ट्रायंगल ए बी ई, ध्यान देना, इफ ट्रायंगल ए बी ई, ए बी ई कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी इस ट्रायंगल के, क्या ए सी डी ए कॉन्ग्रुएंट है, ए दिया है आपको गिवन में, ध्यान देना ए आपका गिवन है, ए दिया है, और क्या दिया है, और कह रहा है सो दैट, बस यही दिया है आपको, और यहां टू प्रूव करना है आपको, प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल ए डी ई, ए डी ई सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी, ये आपको टू प्रूव करना है। ठीक, ध्यान देना, कांग्रुएंट दिया है, एक कांग्रुएंट मतलब क्या होता है, सभी एंगल इक्वल होते हैं, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल साइड इक्वल होते हैं, अगर कांग्रुएंट है तो यानी ए सी इज इक्वल टू क्या होगा, अगर आप इसको इस पर रखोगे ए ए पर आएगा, डी सी पर आएगा, ठीक है, बी डी यहाँ ए ई है ना, ई है, डी ई पर आएगा और बी सी पर आएगा, सेम टू सेम, ठीक है, तो यानी ये हमारा एंगल ए इज इक्वल टू क्या हुआ, एंगल ए हो गया, ध्यान देना, और यहाँ क्या है, एंगल बी, एंगल डी इज इक्वल टू क्या है, ये देखो ए वाला एंगल, ए बी ई, ए वाला एंगल बराबर क्या इस वाले एंगल की होगा, और ये वाला एंगल आपका, ये एंगल बराबर क्या होगा, इस एंगल के बराबर होगा, ये साइड बराबर इसकी होगी, और क्या होगा, ए ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए सी होगा, और बी ई इज इक्वल टू क्या होगा, एक कॉन्ग्रुएंट, इससे हमको इतना मिला। ठीक है, और हमें प्रूव क्या करना है, एडीई, ट्रायंगल एडीई है कहाँ, और देखा जाए ट्रायंगल एडीई, ये है आपका एडीई, और ट्रायंगल क्या है, ए बी सी है, ए बी सी, यही बात किया, और प्रूव के लिए मान लो हमारे पास इसे क्या मिला, एक एंगल ही मिला, मिला, ध्यान देना, और क्या है, ए डी इज इक्वल टू, यहां देखो क्या ए डी है, इसमें ए डी, ए डी इज इक्वल टू क्या है, ठीक, ए डी, ए डी इज इक्वल टू यहां पे है, तो हमें इससे क्या मिलेगा, ए डी अपॉन ए ई, ए डी अपॉन ए ई इज इक्वल टू क्या हुआ, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन, दोनों सेम है लड़के ना, यार एक दो बराबर है, जब ए डी इज इक्वल टू क्या आया, ए ई आया, इक्वल है, एक क्या होगा, वन होगा, नहीं होगा, ए बी इज इक्वल टू क्या है, ए सी है, देखो ना ए बराबर क्या होगा, वन होगा, ये दोनों सेम होगा नहीं होगा, अब देखो यहाँ पे ध्यान से थोड़ा, ये जो है ए बी यहाँ पे है, देखो ए डी अपॉन, अब यहाँ पे देखो ए डी अपॉन ए ई, ठीक, इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए ई, हमें ट्रायंगल मिलना ए बी, ठीक है, ए बी ए इक्वल है, ए बी इक्वल है, यानी ए डी अपॉन ए ई इज इक्वल टू वन, ये दोनों की बात एक है, तो इस ए भुजा बटे ए भुजा,
यानी इक्वल ए भी है, इक्वल ए भी है, ठीक है। यानी ए डी अपॉन ए बी, ए डी अपॉन ए बी, देखो इधर ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए अपॉन ए सी होगा बाबू। नहीं सुन गया, नहीं आया, ये दोनों बराबर हो गया हमारा, बराबर है ना। तो यहां क्या होगा, ए डी इंटू ए सी इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी इंटू ए, यही होगा। ये जो है डिवाइड इधर करोगे तो ये इधर जाएगा। हाँ, अब बात समझ में आया। और एंगल ए, देखो ए डी अपान क्या है, ए डी अपान ए बी, ए अपान ए सी, एंगल ए दोनों में है कि नहीं, तो साइड एंगल साइड, बात समझ में आ रहा है। करस्पॉन्डिंग जो है साइड जो है सेम रेशियो में है, दो दो करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो, और क्या इनके बीच का जो एंगल है अगर बराबर है, हाँ ठीक है, तो क्या होगा, सिमिलर होगा। तो यस ए या सिमिलरिटी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बात समझ में आई कि नहीं आई, अभी नहीं आया बाबू, पकड़ में नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया पकड़ में, नहीं दे रहा हूँ, नहीं पकड़ में आया, फिर से देखो, फिर से देखो, सुनो आप जाने दोस्तों, ये देखो, ये देखो थोड़ा सा जो आपको दिया है, इसकी बात कर रहा हूँ थोड़ा सा जो आपको दिया है, देखो ये अब बना लें, ठीक है, चलो तो बना लो, ये दिया है हमारा एक एक कॉन्वर्ट, ठीक है। इससे हमें क्या मिला, इससे हमें क्या मिला, चूंकि हम प्रूफ में लिखेंगे ना, यही गिवन है, कुछ तो गिवन है नहीं, सब कुछ इसी निकालना है, यानी ए बी इज इक्वल टू ए सी होगा कि नहीं मिला, सिंस ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी के दिया है ना। अब जो है ये जो है ए बी इज इक्वल टू ए सी मिला फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर क्या हुआ, ए इज इक्वल टू ए डी हुआ, हुआ। अब बी हमारा जो कोई काम नहीं है बी का, कर लो आप लोग, ठीक है लिख लो, ठीक है, बी इज इक्वल टू क्या है, सी डी हो गया, ठीक तो सारे बराबर होंगे, होगा ना। और ये एंगल जो है एंगल दोनों में तो है ना। अब हम देखते हैं कि ए बी ये जो दोनों बराबर है, ए बराबर है कि नहीं, तो हमें क्या करना है, ए डी अपॉन ए बी, देखो इधर, यानी इसको हम इस साइड लिख लो, ए डी इज इक्वल टू ए, हमें रखना है वही चीज, ठीक है, ए डी अपॉन ए बी, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए अपॉन ए सी, या इसको समीकरण नंबर एक, इसको इक्वेशन नंबर टू मान लो, डिवाइड वन बाई टू, बात समझ गया, ए हमें मिला, मिला नहीं मिला, कंफर्म हो गया आप, यानी वन डिवाइड बाई टू, ऐसे सुनो, ठीक। अब यहां एंगल ए, एंगल ए इसमें भी है और एंगल ए पूरे में भी है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, बात समझ में आ रहा है, भाई यस ए यस सिमिलरिटी, तो क्या होगा, ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर ट्रायंगल ए बी, कंफर्म हो गया आप लोग, फिलहाल मैं लिख दे रहा हूं पूरा, ठीक है, देखो ये समझ में आई नहीं आया, बैठा ना, चलो गिवन में कुछ भी नहीं है आपके पास, गिवन यही है, इन फिगर ए बी, इन फिगर ट्रायंगल ए बी ई, ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी, बस और कुछ नहीं गिवन, यहाँ फुल स्टॉप, ये फुल स्टॉप, ठीक। टू प्रूफ, टू प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल ए डी ई ना हो, ए डी ई सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी के, ये प्रूफ करना। अब प्रूफ में जाओ, प्रूफ में हमारे पास कुछ वही दिया, सब कुछ दिया नहीं, सिंस ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, यही बाबू एक गिवन है, एक क्या है गिवन, गिवन, सो ठीक है, सिंस ओ यार, सो क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू ए सी, देखो ध्यान देना, ए बी इज इक्वल टू, जब बराबर होता है बी ई इज इक्वल टू
सी डी सी डी ए ई इज इक्वल टू ए डी डी बात समझ में आई yes, जो लिखा जाता है सिंपल ठीक है। ये मिला आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ क्या है, यहाँ ए ई इज इक्वल टू ए डी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अभी मत बनाओ इसको, बड़ा इस साइड लिख लो, इस साइड लिख लो ए डी इज इक्वल टू अब इक्वेशन नंबर सेकेंड ठीक है। अब देखो आप मिल गया आपको, उसे हमें बाकी उसका काम ही नहीं है ठीक है। अब देखो डिवाइड इक्वेशन इक्वेशन टू बाई फर्स्ट, क्या टू को डिवाइड करो ना, ए डी अपन ए डी पढ़े है ना इक्वेशन टू बाई इक्वेशन बराबर है ना, तो बराबर ही आएगा ना yes, यानी क्या होगा ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू क्या होगा ए अपॉन ए सी मिला। अब यहाँ पे जो हो गया ठीक, एक इक्वेशन नंबर थर्ड लिख लो अपना। अब देखो इन ट्राइंगल, यहाँ इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी बाबू ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए अपॉन ए सी है दोनों में, एंड एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, ये क्या किए हो प्रूव किए हो सिद्ध किए हो ना, ये क्या है कॉमन है दोनों में है कि नहीं बाबू बाई यस ए यस क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ठीक है। तो क्या होगा ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी है सब प्रूफ, बात समझ में आया कि नहीं पकड़ में बुरा आया। चलो आप नोट कर लो।